हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की, मतलब जो लेडीजें हैं सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं रखी हूँ पार्लर में, मतलब आज मेरा है व्रत। और अभी मैं सोच रही थोड़ा अपने बालों को स्ट्रेट कर लूँ, मतलब परमानेंट वाले नहीं ऐसे। और शाम को करेंगे फिर, तैयार अच्छे से होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाद कथा सुनने के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा सा अपने बालों स्ट्रेट कर देते हैं। मैंने अपने हेयर स्ट्रेट भी कर दिया है और आज कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मेरी तैयारी हो रही है कथा सुनने जाने के लिए। जो करवा चौथ का कथा होता है तो हमारे मोहल्ले के जो लेडीज हैं तो वो सब मतलब मिलके सुनते हैं, तो वहाँ पे आंटी जी हैं वो सुनाते हैं। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है वहाँ जाने के लिए, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो वहाँ पे कौन कौन आ रखे मैं आपको भी। यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ और यहाँ पे ना मैंने चुन्नी रखा है, क्योंकि सब लोग ना यहाँ पे चुन्नी सर पे डाल के ही जाते हैं। देखो मेरी बाइक, गुन्नू की बाइक खटारा हो गई है। और अभी मैं जाती हूँ, अब पहुँच गए हूँ यहाँ पे, सब आ रखे सभी। बोलो हैप्पी करवा चौथ। तो गाइस आप सभी को भी हैप्पी करवा चौथ। हाँ, नहीं बाद में, मैं अभी तो ब्लॉग बना रही हूँ ना। एक साहूकार था, उसके सात बेटे थे और एक बेटी थी, बहुत प्यार करते थे। यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है और हमने कथा भी सुन लिया है। ये हमारी ग्रुप यहाँ पे हमारी कॉलोनी की, बस ये अब सब यूट्यूब पे देखना अपना, टीवी में भी देख सकते हो हमारी ग्रुप। तो गई जी वहाँ से अभी मैं आ चुकी हूँ कथा सुन के, और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट करवा चौथ का व्रत रखा था तो मम्मी ने तब से ही कथा सुनने के बाद मतलब चाय पिला दिया था। तो ये रूल होता है कि आप लोग जैसे करते हो शुरू से, तो मतलब ऐसे ही करते। तो मम्मी जी ने शुरू से ही मुझे चाय पिला दी थी, तो इसलिए अभी अनिता बना दे रहे मेरे लिए चाय। तो उसके बाद चाय पियेंगे। तब अभी से ही आज हम लोग खाने पीने की तैयारी करेंगे, क्योंकि शाम को मैं पार्लर में तैयार होंगी। तो फिर ना मतलब हबड़ धबड़ होता है, तो हम खाना बना के अभी रख देंगे, तो फिर तैयार होंगे मतलब आराम से, जब तक चाँद नहीं आता तब तक। क्योंकि पार्लर में आज काम भी आ रहा है, क्योंकि करवा चौथ का दिन है तो कस्टमर भी आ रहे हैं, तो साथ में हम लोग कस्टमर को भी देख रहे हैं। और यहीं से बैठे बैठे मैं थोड़ा 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 शॉप भी देख रही हूँ। और अब अमीषा को लोड पड़ने वाला है, क्योंकि अमीषा ही करेंगे अब किचन का एक दो दिन का काम, क्योंकि अनीता और हम दोनों पार्लर में बिजी हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा गाइज मुझे भी आता है पार्लर का काम, और थोड़ा थोड़ा सा मैं मदद कर देती हूँ उनका। तो मेरी फ्रेंड बुला रही है और अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर पे। तो लो फोन पकड़ लो, स्कूटी से जाने। यहाँ पे मैंने शाम के खाने की तैयारी भी कर दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आज मतलब मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। खीर के लिए मैंने चावल भिगा रखे हैं, ये लाल चावल है मतलब गांव से आ रखे हैं। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर एंड पनीर की सब्जी, अभी पनीर नहीं डाला इसमें। तो ये हमारा पक के रेडी हो चुका है, आलू अच्छे से पक गए हैं, थोड़ा इसको मैश कर देते हैं। और इसमें फिर हम बनाएंगे तरी वाली सब्जी, पनीर। पे मेरी सब्जी हो चुकी है रेडी, और यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख दिया है। और अभी मैं डाल देती हूँ धनिया, है नहीं फ्रिज में, देखें सब है घर है। हरा धनिया नहीं है गाइज, यहाँ पे मुझे ना धनिया नहीं मिला। और अब मैं बिना धनिया का बनाऊंगी, अगर कोई जाने वाला होगा तो फिर भी मंगाऊंगी सब्जी वालों से। तो गाइज यहाँ पे सब्जी उबल रही है, तब तक मैं एक बार शॉप में जाती हूँ कि शॉप में क्या चल रहा है। भीड़ हो रही होगी,
दुकानदारी कर रहे सचिन एंड छोटी। फोन पे करना है? हाँ कर दो मैं। और यहाँ पे अभी मैं आ रखी हूँ चेकिंग में। गाइस यहाँ पे मैंने ये खाने ही का मतलब सब्जी बन गई और अभी खीर और पूरी बनाने बचे हैं तो बाद में बनाएंगे अब, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अब तैयार होने के लिए, मतलब साड़ी पहनने के लिए, क्योंकि साड़ी पहन के मतलब रेडी होंगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ पार्लर में। आज ये है मेरा फुल लुक साड़ी। अनीता ने मेकअप करा और पनीर ने मेरा साड़ी पहनाया और मैं सोच रही गलो बंदू लगाऊं, देखते हैं कैसा लगता है। एक बार फिर मैंने अपना गलो बंद भी लगा लिया है, कैसा लगा पहाड़ी लुक? अच्छा। यहाँ पे मेरा फाइनली मेकअप तैयार हो गया है और जूड़ा भी किया है। और देखिए आज मैंने पहले बार ही जूड़ा बनाया है और साड़ी, और साड़ी न्यू साड़ी भी पहनी है। और बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ। और अब जा रही मैं मम्मी के लिए मतलब वो निकालने के लिए, क्या बोलते हैं, बहना बोलते हैं शायद, बहना बोलते हैं खाना। हाँ मम्मी औरों के लिए वो निकालना है। और मेकअप में काफी टाइम लग गया है क्योंकि मैं सबसे लास्ट तैयार हुई। और गाइस सिंपल और एने में दिखाना पड़ी गाइस, यह देखिए। तो मैंने पहली बार एक गलो बंद भी लगाया है, पता नहीं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है परी? ये नेपाल में लाइक बहुत फेमस है। अभी मेकअप डन होने के बाद अब मैं जाती हूँ किचन में मतलब बैनर निकालने के लिए। अभी मैंने रेडी नहीं करा है और बाहर हो चुका है अंधेरा। और यहाँ पे पतिदेव के हाल देखिए गाइस, क्या बोलोगे, सबके घर घर की कहानी ऐसे है गाइस। और गाइस नया सब बनाया, मेरा मेकअप करा मेरी स्वीट ननद जी ने, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बन गई है भुज्जी और मैं निकाल लेती हूँ पहना। हाँ मैं बना दूंगी, तो उधा के काट के रख दो। और यहाँ पे हम हरा साग राई का साग बना रहे, तो ये मैं छौंकूंगी, तब तक अंता काटिंग कुटिंग कर देते हैं। चलो एक बार उठो मेरी वीडियो बनाओ स्टैंड अप। तो मेरा ये भी रेडी हो चुका है। भी लगा देंगे आप जो बोलो भाई। मेरा बेटा बहुत ज्ञानी बने, पानी पिलाएगा मम्मी को, चल पिला दे।
यहाँ पे हमारा मतलब फोटोशूट भी हो गया है और रील्स भी बना लिया। अब जाती हूँ किचन में क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है, हमें साथ ना जाने। और अब जाते हैं कि